बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जाता है कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे देखने के बाद आपका आईक्यू 507 तक चला जाता है, क्या यह दुरुस्त है? अवतीन हजरत, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। वेलकम वेलकम टू द शो छठी के बच्चे आपसे अच्छे, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। यह वह शो है जहां आप घर बैठे बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं। कैसे? ऐसे। आइए डल के देखते हैं पिछले हफ्ते का सवाल क्या था। बेफिक्र रहें, आप अगर एपिसोड के एंड तक हमारे साथ रहेंगे तो आपको भी एक मैं सवाल दूंगा जिसका जवाब आप #छठी के बच्चे आपसे अच्छे करके देंगे तो आप भी 50,000 रुपए जीत सकते हैं। पिछले हफ्ते का सवाल यह था, पीपल मेक मी, सेव मी, चेंज मी, रेज मी, व्हाट एम आई? हाय 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 हाय, ये तो कोई बड़ा खलील रहमान टाइप की पहेली लग रही है। खातिन आजाद, इसका सही जवाब क्या था? आए, जिससे दुनिया चलती है, जिससे खुशियां आती हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं ले सकता। झूठ बोलते हैं, पैसे से खुशी आती है, क्योंकि हम जितना पैसे देने वाले उसे वाकई बड़ी खुशी आएगी। तो मनी इज द राइट आंसर। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन सिर्फ एक आज 50,000 रुपए जीतने वाला है और वो हैं साइम अली फ्रॉम कराची। वेरी वेल डन साइम अली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप घर बैठे बैठे 50,000 रुपए जीत गए हैं। देखा, तो हमारा प्रोग्राम देखने का कोई तो फायदा हुआ आपको। अब चलते हैं उन बच्चों से मिलते हैं जिनकी वजह से यह सारी सर्कस लगी हुई है, जिनकी वजह से यहां हल्ला गुल्ला होता है, जिनकी वजह से हमारे सेलिब्रिटीज आके हार जाते हैं और कभी कभार जीत भी जाते हैं। खातिन रजा, प्लीज वेलकम हमारे छठी के बच्चे। तो ये हैं हमारे छठी के बच्चे जो हैं आपसे अच्छे। खातिन आजाद, आज जो हमारे मेहमान हैं, हमारी सेलिब्रिटी हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के मेगा स्टार हैं, वो छठी के बच्चे आपसे अच्छे में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। ही लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज उनका काम, उनका करियर और उनकी फिल्में, उनके ड्रामे एक वाकई अपनी मिसाल आप है। उनके साथ काम करना इज अ प्रिविलेज। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट होस्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। इसके साथ साथ अभी तक नौजवान के नौजवान हैं, आप देख के कहते हैं अरे वाह जवानी, वाकई इनकी कभी नहीं जानी। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम एहसन खान। सबको अस्सलाम वालेकुम बच्चों को। बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको। खैरियत से? वेरी नाइस। एहसन कैसे हैं आप? आपने ये गलती क्यों की कि बच्चों को मैंने चैलेंज करना है? यार गलती बिल्कुल नहीं की, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा। मैं हमेशा बट सब ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है। आए, बिल्कुल। और वो 7-8 बजे वो बड़ों वाले ड्रामे देख रहे होते हैं सब। तो इस तरह के जब प्रोग्राम होते तो मुझे बड़ी खुशी होती, तो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट और आई वॉन्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बड़ा मजे का शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमें पता लगा कि आपने चैलेंज किया है कि छठी के बच्चा मैं तो कम अज़ कम 15-20 लाख रुपए तो आराम से जीत जाऊंगा। मुझे लग रहा है जीतूंगा, लेकिन मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, और ये आपको कंफ्यूज भी काफी करते हैं। प्लीज अपने पोडियम पे आए ताकि मैं आपको गेम भी एक्सप्लेन करूं। अच्छा जी, एहसन आ चुके हैं, लेकिन आपको पता है एहसन हमारा जो स्कूल का सेटअप है, स्कूल के अंदर एक हमारी लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी के अंदर एक बुक वर्म भी है। अच्छा, वो बुक वर्म का काम है कि खैर आप उसको मिलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसका काम क्या है। मैं खुद अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका काम क्या है। तो प्लीज वेलकम शैबी द लाइब्रेरियन। जा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश हो, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाओ। तुम औरतें कभी तरक्की नहीं करोगी, देख लेना, किसी काम के नहीं हो तुम औरतें। बताओ यार, छेड़ दिया बुरा मान गई, बदला लेने खत्म करें। आप औरत को छेड़ेंगे वो बुरा ही मानेगी, आपके मुंह पर चपेड़ ही मारेगी वो। औरत को छेड़ना कोई बुरी बात है क्या? जी बुरी बात है।
अरे वाह सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। आप हसन खान आ जाए हैं, आप कोई मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं लाए इनके लिए? अच्छा, मुबारक हो सर, क्या हुआ है? अभी तक हुआ नहीं कहते तो मिठाई। जी जी सर, आपको पता आप हसन से पंगा नहीं ले सकते। हैं डायरेक्ट पंच। जी सर, ऐसा वैसा डायरेक्ट आता है। सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, फैन? बहुत बड़ा फैन हूँ सर। कितना बड़ा? सर बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब खड़े खड़े पंखे साफ कर लेता हूँ मैं सर। सर आज ही खेलने हैं? जी आज ही खेलने आए। मैं एक सवाल कर सकता हूँ इनसे? जी जी कर सकते हैं। सर ये बताएं, जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, सबसे खूबसूरत लड़की, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल? नहीं। मोस्ट ब्यूटीफुल? नहीं। फिर आई लव यू? नाइस, क्या बात है, क्या इस तरह की दो तीन लड़कियों को तुमने कह दी ना, पकड़ के बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। सोच समझ के बोलना। इनको किसने बताया मेरी मार पड़ चुकी है? इनको आपकी शक्ल ही देख के मैं यही कहने लगा था। और वैसे भी जो आज आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है, वो लग रहा है कि मांग के पहनी हुई है। साइज आपका नहीं है। नहीं, कभी कभार बड़ी चीजें पहननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उससे आप बड़े लगते हैं। उससे आप बड़े लगते? जी जी। अच्छा अच्छा, शुक्र है आप शलवार बड़ी नहीं पहन रहे। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, अब मैं ऐसा ना, आई थॉट इट्स अ किड शो। हां इट इज अ किड शो। व्हाट इज ही डूइंग इन द शो? ये असल में ना बचपन में फंस गया है। ओह अच्छा, ये वही दिमागी तौर पे ये अभी तक 5 साल का है। वैसे कहते हैं कि अगर आपको सारी जिंदगी मतलब जवान रहना है, खुश रहना है, तो अपने बच्चे को कभी आप ना मारें, उसको जिंदा रखें। लेकिन इतना जिंदा ना रखें कि आप बच्चे ही रहें फिर सारी बिल्कुल नहीं नहीं, ये अपने बच्चे को घर जाके मारते हैं। अपने अंदर के बच्चे को। अच्छा, घर जाके मार देते हैं रोज मारा भाई बच्चे क्या किए थे। अच्छा ऐसा, आइए आपको जरा थोड़ी सी गेम भी हम लोग बताते हैं, क्योंकि जारी बात है यहाँ हम लोग हंसी मजाक नहीं करने आए, पहकवाने हैं पहक। अच्छा जी, छठी के बच्चे आपसे 6 ग्रेड का सिलेबस आपके सामने पेश किया जाएगा। आपके पास 12 कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरीज के अंदर से आपने 10 हमारे साथ खेलनी है। ओके। और सबसे पहले देखते हैं मनी ट्री कि आप क्या जीतने वाले हैं। आइए जी, मनी ट्री दिखाइए। पहले सवाल का जवाब आपने दिया तो 5,000 आपको मिलेगा, दूसरा 10, तीसरा 25, 50, लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख और लास्ट कितने का? 50 लाख। वो अभी तक कोई जीता है? नहीं। क्या हम जीतने देंगे? नहीं। जीतने नहीं देंगे सर। आपका क्या ख्याल? हम लोग यहाँ बांटने आए हुए, ले लो। ये लो यार, मैं तो इस एक्साइटमेंट में आया था कि मुझे कुछ बता देंगे, मेरी हेल्प करेंगे, कुछ जीत लेंगे। तो नहीं नहीं, मैं अब आपको मिल बांट के, यू नो, सो 50-50, अ लिटिल हियर देयर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो कैटेगरीज भी देखते हैं, ये आपको तो पता लग गया कि आप किसके लिए खेलने वाले हैं। कैटेगरीज भी देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। हमारे पास 12 कैटेगरीज हैं, उसमें से 10 आपने खेलनी है। पर्सनालिटी है, मैथ्स, रिडल्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड एनिमल किंगडम। अब होगा क्या, आपने 10 सवाल तो हमारे साथ खेलने हैं। पहले आप जो कैटेगरी 2 चूज करेंगे, उससे 2-2 सवाल खेले जाएंगे। हर बच्चा आपके आके हेल्प किया करेगा, आपने चूज करना है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, हर एक के अपने अपने ट्रेड्स हैं। ठीक है जी, आपके पास 3 चीट्स हैं। ओके। अगर आप फंस गए किसी सवाल में और आपका है कि यार मैंने जवाब नहीं आया, तो पहला चीट जो है उसका नाम है ताका झाकी। ताका झाकी, जो बच्चा यहां आएगा आप आराम से आके ताका झाकी कर सकते हैं, आंसर कर 90% ऑफ द टाइम देयर राइट, बाय द वे 90% इनकी एक्यूरेसी रेट है। सेकंड आपके पास चीट है जिसका नाम है छाप दो। ठीक है, आपको आंसर नहीं आता, आपने कहा व्हाट्सएप मुझे तो नहीं पता, बजर आपने दबाया और आपने कहा छाप दो, तो जो इसका आंसर होगा हम वो काउंट करेंगे। ओके ठीक है। एंड लास्ट का नाम है बचत। ओके, बचत का मतलब है कि आपने अपना जवाब दिया है लेकिन यू आर अनश्योर, राइट, वो लास्ट आपकी लाइन है। ओके, लेकिन आपने बचत का बजर दबा दिया और आपने कहा कि अगर आई एम रॉन्ग तो ऑटोमेटिकली इधर इनका, अगर आपका रॉन्ग हुआ तो इनका काउंट होगा। ठीक है, सो यू हैव 3 मेजर चीट्स गो अलोंग द वे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सबसे पहले आप स्कूल में कैसे थे? वर यू अ ब्राइट स्टूडेंट? क्वाइट ब्रिलियंट बट वेरी प्लेफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम। कोई ये होता था कि सारा साल जरा पढ़ाई पे तवज्जो एवरेज, लेकिन एग्जाम से पहले वो जो नहीं होते कि बस सब, क्योंकि वो एक रिजल्ट, एक कॉम्पिटिशन होता था, वो शुरू से एक आदत है, यू नो, कम्पिटिटिव नेचर है कि दूसरे से अच्छा करना। स्कूलिंग कहाँ की आपकी? लाहौर में मोस्टली, वैसे तो यू नो हेयर एंड देयर, सो कुछ वहां कुछ यहाँ, लेकिन शुरू की वहां, बाकी लाहौर। अच्छा, एंड यू वर ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट और आपको हमेशा मोस्टली आई वाज, हाँ वो ये था कि रिजल्ट बहुत अच्छा था, कम पढ़ के भी, यानी कम वक्त में भी पढ़ाई करके, तो आई यूज्ड टू डू अचीव व्हाट आई वांटेड टू। अच्छा,
हाँ। और खेलों का शौक वगैरह था, खेलों का, एक्टिंग का। शुरू वो ये होता था कि एक प्ले खत्म हो रहा था, दूसरे के लिए तैयारी हो रही होती थी। जब भी कोई प्लेस की और एक्टिंग की, मतलब टीचर फेवरेट भी थे आप? हाँ टीचर, हाँ ऑफ कोर्स या। एंड देन स्पोर्ट्स भी काफी, आई वाज गुड एट स्विमिंग, रियली गुड एट स्विमिंग। हॉर्स राइडिंग बचपन से की हुई है, तो वो दैट्स माय फेवरेट। बाकी तो बच्चे जो खेलते हैं, बेसबॉल बहुत खेला हुआ है, क्योंकि लंदन में क्रिकेट नहीं होता था, बेसबॉल खेलते थे। यहाँ पे आके फिर थोड़ा क्रिकेट में वीक था, बिकॉज वो प्रैक्टिस ही नहीं हुई बिल्कुल चाइल्डहुड में। तो फिर यहाँ आके आपने कुछ ऐसे हल्का फुल्का, आई एम नॉट वेरी गुड एट प्लेइंग, आई मीन आई वॉच, आई लव क्रिकेट, बट नॉट अ वेरी गुड प्लेयर। चलें कुछ नहीं होता, आज देखते हैं कि आप आज क्या करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी से शुरुआत करना चाहेंगे? यार देखें, सबसे आसान जो मेरे लिए हेयर एंड देयर इंग्लिश है, सबसे मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज ब्रिटिश एंड सो इंग्लिश तो हो सकती है। अच्छा, ब्रिटिश पासपोर्ट होने का ये मतलब नहीं कि इंसान की अंग्रेजी अच्छी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, मेरे को भी है, मगर वही गल है कि मेरी पंजाबी अच्छी है। अच्छा जी, आइए इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी किस बच्चों की अच्छी है? हु इंग्लिश आर गुड ऑफ टॉप, हु इंग्लिश आर गुड, हु इंग्लिश आर गुड, व्हाट गुड इंग्लिश। ओके, लेट्स गो विद ज़ेन। ज़ेन लिशकारे मार के आया हुआ है गोल्डन। मैंने जरा देखा ना, थोड़ी डिस्को किस्म की शर्ट थी, मैंने कहा जायान को बुलाते हैं। ये पूरा शाहरुख खान है ये। अच्छा। देखना ये जो सवाल भी करता है। अच्छा जी, अब दो सवाल आपके इसी कैटेगरी में से होंगे, इंग्लिश में से। ठीक है। पहला 5,000 का होगा और दूसरा 10,000 का होगा। सो टाइम नहीं जाया करते, सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश का। आपका पहला सवाल ये, व्हिच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ बॉदर? बॉदर का सिनोनिम क्या है? आजकल आपको अक्सर लोग बॉदर कर रहे हैं, स्पेशली मैच जब हो रहा था तब तो बड़े लोगों ने आपको बॉदर किया। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे लोग बॉदर करें। मीम्स आपकी, उसके बगैर मजा नहीं आता जिंदगी। कभी आपने सुना है आदत पड़ जाए आपको? अब ऐसे आप जब चार दिन गुजर जाते ना और कुछ आ नहीं रहा होता, फिर आप सोचते हैं यार क्यों नहीं आया कुछ। तो शुक्र है आपने मीरा टाइप का इंटरव्यू नहीं दिया रेड स्क्रीन पे बैठ के। आई थिंक आई नो द आंसर। शुड आई प्रेस द बटन? जी जी, आंसर लॉक हो गया। क्या आंसर है जी आपका? सो ऑब्वियसली इट शुड बी डिस्टर्बिंग somebody, डिस्टर्ब करना ना, डिस्टर्ब करना। हाँ डिस्टर्ब करना। ओके जी, आई थिंक दैट्स अ फेयरली इजी वन। डिस्टर्ब, इट्स ट्रू। आधे साथ ही 5,000 से आपने शुरुआत की। अगला 10,000 के लिए बजर दबा दे ताकि हम लोग फौरन आपका जवाब सुने। ऑलराइट, 10,000 के लिए मूव करने लगे हैं भाईजान, रेडी हैं? 10,000 तो कम से कम। हमेशा की तरह रेडी हूँ। अरे क्या बात है तेरी। 10,000 का आपका सवाल ये है, What is the meaning of to butter someone up? हाय, very easy। अभी अभी हमने शुरुआत के अंदर भी यही किया था जब आपकी एंट्री हो रही थी। अच्छा। लेकिन इसमें कोई फायदा होना चाहिए, बट सब मेरी आपको बटर करके कोई फायदा नहीं होगा। बेसिकली बटर समवन अप मींस के यू वांट मी टू रिप्लाई। जी 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 जी, आप करते कि जैसे आप, आपने बजर दबा दी, अब तो आपको करना ही। जैसे आप किसी की खुशामद करते हैं या कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बट उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट होता है खुशामदी का शामिल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग समवन, बट सार्केज्म भी हो सकता है उसमें, इस तरह से है कुछ। हाँ मतलब बेसिकली आपने कहा खुशनूद, किसी को खुशनूदी किसी की करना है, ऐसी खुशामदी करना, टू कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। हाँ आपने कभी बटर ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बड़ा एक पॉजिटिव वे होता है कॉम्प्लीमेंट, बटरिंग इज समथिंग एल्स। बटरिंग जरा थोड़ी सी उसमें भी जा जाती है ना कि एक्सेसिव एक्सेसिव। हाँ हाँ जी सर, बटर अप आपने किया है कभी किसी सुबह नाश्ते में? अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट देना जी, बताइए कॉम्प्लीमेंट देना। इट इज ट्रू। ओके ज़ियान, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने आगे 10,000 रुपए जितवा दिए। आइए सबसे पहले तो मैं देखते हैं कि आप 10,000 रुपए पे मनी ट्री में कहां हैं। मनी ट्री के बाद हम देखेंगे, 10,000 रुपए पे आप पहुंच चुके हैं। अगर आप बजर दबाएंगे तो आपके 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली 25,000 रुपए के लिए चले जाएंगे। ओह लालच लालच, जिस तरह किया ना, 25,000 रुपए यहाँ आने का फ्यूल तो निकल आएगा। फ्यूल 25,000 का नहीं, कम में आए हैं, बहुत दूर नहीं हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ओके, फिर ठीक है। वो क्योंकि लास्ट टाइम लाहौर से आते ना, इसलिए 25,000 रुपए वन वे टिकट है इस वक्त। ये भी है हमारा, कहाँ से 25,000 रुपए वन वे? अब तो भाई ज्यादा हो गई है आपकी सोच है, 35,000 to 40,000। यार वो भी अगर ऑफ पीक पे हो। उफ जी, 25,000 रुपए तक पहुंच गए हैं ऐसे। अब आपका, आपके पास 10,000 थे जो कि आपने आगे लगा दिए 25,000 के लिए। सबसे पहले तो बच्चों के हम ट्रेड्स भी देखते हैं कि हमारे बच्चों के क्या क्या ट्रेड्स हैं ताकि क्वालिटीज आपको पता लगे। हमारे साथ हैं आज अली, जयान,
Zarghoon and Hamna. बच्चों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है. हाँ, बड़े अजीब से नाम है. मुझे याद करने में 2 seasons लग गए थे. फिर आपने कहा सामने लिख के रखो यार, ताकि मुझे नाम याद. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ऐसे यू बीन एक्टिंग फॉर अ वाइल नाउ, ठीक है. अभी तक आपने डायरेक्शन में कदम नहीं. बड़े एक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन करते हैं. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अहमद, ये जो एक्टिंग है ना, ये बड़ा एक पैम्पर्ड काम है. लाइक पर्सनली तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपके इर्द गिर्द माहौल बड़ा अच्छा बनता है. हाँ. कि आप को हर चीज़ लाइक स्क्रिप्ट और आपके डायरेक्टर, आपको पूरा सेटअप रेडी मिलता है, कपड़े भी आपके रेडी. तो थोड़ा आराम वाला काम है, मेहनत बहुत है. डायरेक्शन जो है वो मैंने किया, अभी एक वीडियो किया था कुछ देर पहले. इट वॉज फॉर अ ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड का वीडियो था, जो बहुत मजे का वीडियो हुआ. लेकिन मैंने देखा बहुत हेक्टिक है. तो मेरा टेम्परमेंट जो है ना, उसमें मैंने प्रोडक्शन भी की है. प्रोडक्शन का भी टेम्परमेंट इज वेरी, समबडी एल्स हैड टू डू द डर्टी जॉब. कॉल करने पड़ते हैं यार, मुझे ये वाली चीजें है ना, ये इज वेरी डिफिकल्ट. कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, ये कर दो, टाइम जा रहा है, लाइट जा रही है. वो अभी फिलहाल आई हैव एक्सपीरियंस इट, प्रोडक्शन और वो सब कुछ. लेकिन अभी एक्टिंग में क्योंकि मुझे इतने अच्छे रोल्स और अच्छी ऑप्शंस हैं, तो फिर वो टाइम भी नहीं मिलता कि कुछ और सोचूं. बिल्कुल. तो इसलिए अदरवाइज वो एक रुझान तो है उस तरफ. अच्छा है, आपका है कि जी लेटर ऑन, मे बी लेटर ऑन स्टेज पे इंशाल्लाह. बट यू आर मोर कंफर्टेबल इन प्रोडक्शन, नॉट इन प्रोडक्शन एंड एक्टिंग. एक्टिंग जरा पैशन इतना है कि वो अदाकारी. मेरा ख्याल 15-20 साल तो आप हीरो आराम से. यार इतने साल तो मतलब क्या चाहते, बुढ़ापे में भी हीरो? नहीं नहीं ऐसा. क्यों यार, क्यों नहीं? लेकिन चले, काम जो है ना वो एक्टर के लिए, आई थिंक कुछ ना कुछ अगर रोल बनते रहे. हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, हमायों कितना अच्छा भी अभी भी काम कर रहे हैं, और नुमान एजाज उनसे भी बहुत सीनियर है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं. अदनान कितना अच्छा काम कर रहे हैं. जावेद शेख कितना अच्छा काम कर रहे हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट स्टेज. हमारे तो वैसे भी कैरेक्टर एक्टर्स बहुत ज्यादा है, हमारे रोल्स भी. तो आई थिंक वो जो पैशन है ना एक, वो एक्टिंग का है कि एक्टिंग में मेहनत करने का भी जी चाहता है और अच्छा काम करने का भी दिल करता है. एक्टिंग का पैशन. आपके रोल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास मेन सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो अगर आपने ना ली तो आपके स्पॉन्सर्स नाराज हो जाएंगे? ब्रेक. अरे क्या बात है, क्या बात है. आपको 10 points मिलते हैं. खादिन और साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं छठी के बच्चे. विल बी राइट बैक. And welcome back from the break, ladies and gentlemen. Today, छड़ी के बच्चे आपसे अच्छे में मौजूद हैं. एहसन खान. एहसन अंकल, आपने मेरी शूटिंग की है. मैंने ब्लैक पहना है, आपने भी ब्लैक पहना है. आपने ये तो रहेगा इसलिए ब्लैक पहना, चलो मैं भी ब्लैक पहन लेता हूँ. चीटिंग तो वैसे कोशिश थी, बट यूजुअली ब्लू इज लाइक, नेवी ब्लू इज माई फेवरेट कलर. सो आई चूज टू वेयर ब्लू और ब्लैक मोस्टली. वो मेरी वार्डरोब जब खोलो सब कुछ काला है उसमें, या ब्लू है या ग्रे है. ये मसला है. वैसे होना चाहिए ब्लू तो मस्ट है. ब्लू हाँ, तो बड़ा जरूरी है. वो इज माय फेवरेट कलर ब्लू. कुछ भी इतने कलर्स होते हैं लेकिन निकलता नीले रंग का है कि आज क्या पहन के जाना, नीले रंग का. अच्छा एसएन, यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. मुझे बताएं आपके कितने बहन भाई हैं? 5 और उसमें आपका नंबर कौन सा है? लास्ट. अच्छा आप लाडले. आई थिंक लास्ट वाला जो होता है वो सारी जिंदगी छोटा रहता है. लाडला कम लेकिन छोटा. मैं लाडला कहूं या इग्नोर्ड कहूं? नहीं इग्नोर्ड बिल्कुल नहीं था, बिकॉज आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन. I think that attention got me into this field also because I like you. When you get so, कभी कभी excess of attention भी बुरी होती है, वो you start liking that attention, you know. So being on TV and films and all, we get a lot of attention. That's also like part of our job. लेकिन वो ये था कि छोटा जो होता है ना उसका, उसके साथ जो सबका behavior होता है ना, वो बच्चों वाला रहता है. और अभी भी मुझे कभी कभी मेरे बड़े बहन भाई और मेरे कजन ये सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो मैं ये सोचता हूँ यार कि मतलब भाई, ये काम पे जाते हैं, ये देखो लक्स अवार्ड्स है मेरे पास. नहीं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो. क्योंकि और फिर मुझे वो चीज़ मुझे प्यारी भी लगती है, क्योंकि उन लोगों को ये फील होता है कि हमारे लिए तो वही है ना यार. और वो ऐसे ही मुझे बोल दे कि यार पानी तो पिला दे, ये तो कर दे, यहाँ अच्छा ठीक है हो जाएगा. तो यार ये कैसे बोल रहे हैं? मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मुआशरे में. लेकिन बिकॉज़ आई थिंक दैट्स वेरी हम्बलिंग आल्सो. आपको एक एंकर चाहिए होता है कि आप
हाँ, जैसे घर में एंटर हो तो स्टार अपना घर छोड़ के। आई थिंक आप कभी भी अपने घर जो वो कहते हैं एक्टिंग और ये जो भी नाम या जो भी इज्जत आप कमाते हैं किसी भी शोबे में हो, जब आप घर जाते हैं तो ये सबको फिर वो जैसे आप कहते ना आप चेंज यू चेंज इनटू योर डिफरेंट क्लोथ्स, इसको अलग बाहर जाना चाहिए एक्टर बाहर, तो आपकी वो और ये चीज तो आई थिंक वैसे भी मुझे लगता है फैमिली और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इन सब चीजों से प्रायोरिटी तो आपकी अपनों की होती है। आपकी फैमिली में आपसे पहले कोई एक्टर शायर या सिंगर? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बट माय ताया जो कि यूएस में रहते थे, ही वाज अ डॉक्टर ओवर देयर, उन्होंने very small roles, he produced some Hollywood film and he worked in a Hollywood film. Achha. Two films, but that was way back. And then jab mere father was in Lahore, jab ye shift hue the London, so tab I wasn't, main tab paida nahi hua tha, lekin ye tab ki baat hai. To inhone ek restaurant banaya Mall Road Lahore, aapko shayad andaaza hoga. To udhar ek restaurant tha, usko theater mein inhone convert kiya. To are to wo bahut kuch 2-3 saal theater chalta raha wahan pe, baqaida Urdu ke tab plays hote the, Punjabi plays bahut kam hote the, lekin Firdaus Jamal sahab jaise actor Amanullah sahab aur Abid sahab, they all, when I came in this field they all knew me. So मैं because they knew me because of my father, क्योंकि थिएटर जब उनका था तो ये वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो बस इतना ताल्लुक है। एक आधी फिल्म फैमिली में किसी ने प्रोड्यूस की हुई पाकिस्तानी फिल्म, अदरवाइज कोई बहुत कोई डीप इसमें वो नहीं है। एनीवे, वी आर गोना टॉक अबाउट योर जर्नी इनटू फिल्म्स एंड टेलीविजन आल्सो, लेकिन उससे पहले हम अगली कैटेगरी भी चूज करते हैं। एक बात बता चाहता हूँ, छोड़ो जी, एक बात बताऊँ, व्हेन आई वाज यंग योर एज आई रिमेंबर गोइंग टू देयर हाउस, अहमद को पता नहीं याद भी होगा कि नहीं याद होगा, हम लोग, मैं बहुत छोटा था, बिकॉज योर फादर नदीम साहब के साथ आपने फिल्म की थी। नहीं वो तो वो छोड़ें, जो आपके वालिद साहब हैं उनसे, वो उनसे और आपकी वालदा से हमारे बड़े फैमिली टर्म्स मेरी अम्मी अब्बा के थे। सो आई रिमेंबर टेलिंग योर मदर एंड योर फादर कि प्लीज़ मुझे काम तो दिलवा दें यार, कहीं पे कुछ एक्टिंग तो करा दो। आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मुझे पता था ये मशहूर लोग हैं, ये दोनों मशहूर लोग हैं और ये मुझे ले जाएंगे किसी तरह इस फील्ड में। तो मैं बच्चा था, मैं उनको प्लीज मुझे काम तो, उन्होंने मुझे नहीं आगे सो ये देखा, बचपन से शौक था, जो कोई एक्टर मुझे नजर आता था, आई रिमेंबर मीटिंग बाबरा जी, बाबरा शरीफ, हाँ, एज अ किड उनको भी मैंने कहा मुझे प्लीज काम दिला दें। आई रिमेंबर जैसे ये आपको कह रहा है, हाँ, ये कह रहा तो है, बस इस तरह ना बचपन में अगर शौक हो तो आप एक्टर्स को देख के बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, इंस्पायर। हाँ, मतलब यू लुक अप टू देम, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एहसन साहब कौन सी कैटेगरी आगे खेलने वाले हैं। 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं, आइए देखते हैं कैटेगरीज अगली कौन सी है जिसके साथ आप 25,000 रुपए में खेलने वाले हैं। पर्सनैलिटी, मैथ्स, रिडल्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इंग्लिश हो गया। अच्छा जी, हम चूज करते हैं और ये पाकिस्तानी ही होगा ना अगर मैं चूज करूं कल्चर जो है। लाजमी नहीं, लाजमी नहीं है। छठी ग्रेड में क्या आता है, छठी ग्रेड में बड़ा कुछ आता है। इट शुड बी कोई सवाल पाकिस्तानी कल्चर के बारे में हो तो डेफिनेटली हमारा ही होगा, क्योंकि अपने कल्चर की बात ज्यादातर तो हाँ होता हमारा है, ऑब्वियस बात। कल्चर चूज करते हैं तो आई थिंक देखते हैं इसमें क्या होता है। सही है, हमारे कल्चर में ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम कल्चर नहीं वल्चर कहते हैं। कल्चर देखें बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत संजीदा टॉपिक भी है। अच्छा जी जी, क्यों? और मैं इस कल्चर को लेके मैं एहसन भाई की तरफ से अपनी आवाम से कुछ बात करना चाहता हूँ जी जी, खासतौर पर मर्दों से जी जी, कि हमें अगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है तो हमें घरों से नहीं निकलना है, नहीं निकलना, हमें लड़कियों के इनबॉक्स से निकलना पड़ेगा। मैं पता नहीं कोई पढ़ी लिखी बात करने लगा है यार, ये तो ये कैसी बातें करता है यार आके, ये इसको पता नहीं बच्चे बैठे होते हैं। नहीं नहीं, ये इसीलिए लाइब्रेरी में होता है, आते नहीं। अच्छा भाई, आपने चूज किया कल्चर, बजर दबा दे, लॉक कर दूंगा मैं, लॉक हो गया जी कल्चर। अब कौन से बच्चे का कल्चर अच्छा है? अरे हर बच्चे का। ज्यान आप खेल चुके हैं तो इसलिए ज्यान नहीं, आप चूज कर सकते। लेट्स गो फॉर हमना। हमना हमना बड़ी इंटेलिजेंट है जी और बड़ी फुर्तीला जवाब देती है। अच्छा। बड़ा फुर्तीला जवाब देती है। बर्फ तो साफ करके आ जाती कपड़ों पे से। ऐसे अंकल, आप कौन से एज में थे जब आप एक्टिंग के फील्ड में आए थे? मैं बहुत यंग एज में, जो मैंने पहला प्ले किया होगा शायद मैं 12 साल का होगा, वो एक सीन था पीटीवी के प्ले का जो मैंने किया 12-13 साल का। उसके बाद जब मैंने एक फिल्म और टीवी एक साथ किया तो आई वाज लाइक 17 or 18 आई थिंक। अरे चाइल्ड स्टार, चाइल्ड कहते ना बचपन से एक कीड़ा, बस बचपन का शौक, क्रेजी शौक ये वाला। आपने कितने साल मतलब कितने साल हुए आपके एक्टिंग में, और आपको एक्टिंग पसंद है या फिर होस्टिंग
और या फिर आपके कितने ड्रामे हुए? Okay, भाई आपको एक्टिंग पसंद है या होस्टिंग? एक तो मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स दैट आई एम इन दिस फील्ड. अरे वाह. 20-22 साल, बीच में 3 साल के लिए मैं चला गया था यहाँ से, तो 2 decades, सोचो कितनी बड़ा पुराना काम शुरू किया है. अच्छा, और होस्टिंग और एक्टिंग में चूज़ करना बहुत मुश्किल है. होस्टिंग एक अपना मज़ा, एक्टिंग का अपना, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना मज़ा है. बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. आई थिंक होस्टिंग ज़रा आपको थिएटर फील देती है थोड़ी सी. हाँ, और एक्टिंग में आपको पता है. अच्छा, होस्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप आधे साइकाइट्रिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से जब सवालात करते हैं तो लोगों की पर्सनैलिटी आप देख रहे होते हैं कि वो क्या हैं. हाँ, क्योंकि लाइव रिस्पॉन्स हो रहा है. लाइव, अच्छा यार ये मैंने बात कही है तो नहीं आया. जिस तरह मैं ये देखेंगे कहता हूँ हाँ बेहतरीन. ये मैंने कहीं सुनी है बात. ये सुनी हुई है आपने बात. आपने कल्चर लॉक किया है. कल्चर के लिए आप 25,000 रुपए का सवाल खेलने वाले हैं. जबरदस्त. 25,000 रुपए का सवाल कैसा होता है आइए. In which year Alan Fakir was awarded Pride of Performance Award? अरे आपने पाकिस्तानी कहा तो आपने आगे Alan Fakir. अरे Alan Fakir सब हमारे legendary जी जी पाकिस्तानी artist हैं हमारे, और उनका जो गाया हुआ, उनके जो गाने हैं, जो मैं तो कलाम, सुफियाना कलाम है उनका मोस्टली. अच्छा, सुफियाना कलाम सुनते हैं आप? मतलब आप, यू कांट मिस Alan Fakir. यू नो, मुझे याद है कि PTV जब एक चैनल होता था हमारे बचपन में, तो इनके बहुत रिपीट होते थे. ही सच अ फेमस पर्सनालिटी और बड़े इंडिविजुअल किस्म के आर्टिस्ट हैं. आई कैन गेस ही वाज नॉट वेरी ओल्ड व्हेन ही गॉट द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. एग्जैक्ट ईयर बताना है. एग्जैक्ट क्या हम उसके करीब कुछ नहीं. एग्जैक्ट ये तो यार एग्जैक्ट बता. एग्जैक्ट सर exact. अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं गेस करूंगा. मैं गेस, एक रफ गेस है, और हो सकता है मैं गलत हूं. अगर मैं गलत हो गया तो क्या मैं घर जा रहा हूं? मैं घर जा रहा हूं. जी, जी. नहीं, अभी शो नहीं खत्म करना ना हमें मसला है. तो फिर आप एक चीट ले सकते हैं. अगर नहीं, आप अनश्योर हैं. 25,000 रुपए पे चीट ले रहे हैं? नहीं नहीं, 25,000 पे नहीं लेना. Alan Fakir साहब और 80s में, आई थिंक 80s में उनका था करियर हाइलाइट्स. नहीं, 80s में ही उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला. उससे ही वाज इन हिज यू नो लाइक वेरी वेरी फेमस इन 80s. अब ऐसे क्यों देखे, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं कर नहीं नहीं मैं वैसे क्योंकि मैं हमारी हमारे लाइफ अभी रीसेंट 10-20-25-30 सालों में तो मैंने नाम नहीं सुना इनको के अवार्ड दिया गया. तो आई थिंक इट्स 80s फॉर श्योर. 80s का आप कह रहे हैं? ओके. 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87. हाँ, 80s तो फिर बहुत लंबा है. 80s तो फिर 80s है. और 80s में वही वाले बाल हैं जो भी आपने रखे हुए हैं. 80s वाला पर्म. 80s वाला. Yes. ये पता है कौन से बाल हैं? ये कौन से वाले? कि जब आप कंघी नहीं करते और ऐसे निकल आते हैं. नहीं, वैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं. बड़ा डिफरेंट लग रहा है. अच्छा, थैंक यू. अच्छा, वील यार 80s कर रहे हैं ना, उसमें कुछ भी हो सकता है यार. 80s कह देते तो हम लोग यू करते 1800s कह देते. नहीं, 1900s कह देते. ओके, लेट्स गो फॉर 19 कुड बी 80 81. इसमें तो चॉइस दे दो 80-81 में कि नहीं, मुझे एक बताना है. यार काश मैं दे देता. असल में अच्छा, आपने बजर दबा दिया. ठीक है, किसी बच्चे को आता है ये जवाब? सबको आता है. सबको आता है जी? मैं मान नहीं सकता इनको आता हो. लॉक किया उनके सामने, लैपटॉप्स खुले हुए हैं. निकाल लिया फौरन. 80 करते हैं. चले, सही कह रहा हूँ? हाँ, हो सकता है. 1980 मुझे ऐसे किया है तो तुझे मैंने सबसे पहले बुलाया था ब्रो. ये ब्रो मरवाता है, मैं आपको बता रहा हूँ. फिर इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ. 80 चले. 1980 लॉक कर रहे थे. 1980 लॉक करें जे. इज इट ट्रू? आप देखते हैं जी, मनी ट्री पे आप कहां आए हैं. मनी ट्री दिखाइए जी. एसन 25,000 रुपए जीत चुके हैं और अब खेलने वाले हैं 50,000 रुपए के लिए. अगर बजर दबाएंगे तो 25,000 रुपए आपका चला गया 50,000 के लिए, वरना आप अभी कैश लें 25,000 जी. आपका दूसरा सवाल भी कल्चर का ही होगा. ठीक है, पहला सवाल अब आप 25,000 आपको मिल चुका है. अब आप 50,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं. आपका 50,000 रुपए का सवाल यह है. विच वन इज रिकग्नाइज एज स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लावर कौन सा है? फूलों का शौक है या फूल देते देने का शौक है, लेने का शौक है? यार वो अगर हम ले और दें फूल तो आजकल ज्यादातर या तो गुलाब होता है या फिर वो ग्लाडियोला होता है या ट्यूब रोज होता है। तो ये तो वैसे आई थिंक ये दबा दिए, देखा फिर से दबा दिए इसने। वो दबाने के बाद दिमाग ज्यादा चलता है ना कि अब सोचने की मजबूर हो गए आप। पहले आपको ढीला ढाला फील हो रहा था दबाए बगैर। ओके ओके ठीक है ठीक है, बताएं मुझे बताना है। आप वो कश्मीर ही है ना जो वो बनाते हैं फूलों के, जो यहाँ पे वो आप जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर बना के बेच, वो जो आप हैट जो जो ऊंची वो जो फरों वाली बात है वो हुंजा की है, फूलों की बना नहीं, अच्छा फूलों के बच्चे बच्चियां बना के हाँ, तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बनाते हैं छोटे फूलों के बिल्कुल। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर नाम मैं गलत, मुझे फूल का बिल्कुल ज़हन में आ गया कौन सा है, कमल का जो फूल है वो इनका ये स्टेट फ्लावर है कश्मीर का। आप कमल कह रहे हैं, कमल का फूल ओके, जिसको लोटस कहते हैं हम लोग, कमल जिसको लोटस कहते हैं, जिसको लोटस कहते हैं। तो लोटस आपका आंसर है 50,000 रुपए के लिए। बिल्कुल, और मुझे मैं 100% सही कह रहा हूँ। हाय ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जी। लोटस इट इज ट्रू। बात है ऐसे ना, मैं कुछ जिन चीजों के शोर है वो पक्के हैं। तो जितने भी आए ना सबसे अच्छी तैयारी करके आए। हाँ वैसे ये अभी अच्छा, मैंने तैयारी नहीं की बिल्कुल भी। अच्छा आते साथ ही तेरे मुंह पे चपेट मार दी। मैंने तैयारी नहीं की। नहीं मतलब मैं ऑनेस्टली तैयारी नहीं की, मुझे ये लगा कि हम क्या हार भी जाएंगे तो क्या है, बच्चे हैं ना अपने सारे, खेलेंगे हाँ, बच्चे हैं मगर तो अब जाके पता लगा। ऑनेस्टली पता क्या, क्योंकि मैंने आज तक अपने बच्चों को ना पढ़ाई में भी हेल्प नहीं की। माई वाइफ डज दैट। अच्छा उससे क्या होता है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना कुछ उनका देख रहे हो तो आपकी रेपिटेशन हो जाती है, आपको सारी वो चीजें जो आप भूल चुके थे वो अब वो भी नहीं है मेरे जहन में इस वक्त। मैंने कभी उनकी पढ़ाई में उस तरह से आई नेवर मेड देम स्टडी यू नो कि ये करा दूं या वो, ठीक है वो उनकी अम्मी का वो डिपार्टमेंट है। यानी ये भी बात है। अच्छा आर यू अ हैंड्स ऑन डैड? वेल इन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हां आई एम, आई लाइक टू गेट इन्वॉल्वड अ लॉट। आई थिंक आई आल्सो बिकम अ लिटिल इरिटेटिंग कि मैं बहुत इन्वॉल्वड होता हूं। अरे और परफेक्शनिस्ट तो आप वैसे ही हैं। वेल नॉट इन, बच्चों से थोड़ी उतनी आप यू नो उनकी एक स्टेज ऐसी होती है कि वो गलतियां करने से ही लोग सीखते हैं तो उस पर तो एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। बट मुझे वैसे इन्वॉल्व होना अपने बच्चों में बड़ा अच्छा लगता है। आई एम वेरी इन्वॉल्वड। हर बाप का जो होता है कहते हैं पहला बेटा जो होता है बड़ा करीब होता है और जो सबसे छोटा होता है वो तो लाडला होता ही है। अच्छा मेरी बेटी है पहली ना? जी जी। तो वो तो ऑब्वियसली बहुत करीब है, लेकिन दोनों बाकी दोनों भी मुझे बड़ा बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ज़्यादा करीब है। ये बड़ा एक बड़े मज़ार अभी मैंने हाल ही में देखा था, वो कहता है कि जी जब मैं बाप बना, मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने जब पहले दिन अपने बेटे को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ। ओह माय गॉड, कहते मैं इसको जानता भी नहीं हूँ और मैंने इसकी शक्ल देखी है और मैं, मेरा पहला इंस्टिंक्ट था कि मैं इसके लिए जान दे सकता। ये देखें ये अल्लाह ने कैसी, कहते लेकिन जिस दिन मेरी बेटी हुई मैंने उसी दिन मेरे माइंड में आया था कि मैं इसके लिए कत्ल भी कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये तो आप देखेंगे एक इंतहा बताने का तरीका है कि भाई कि व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न आई वुड किल फॉर हर एंड इफ माय सन आई वुड डाई फॉर हिम। सो अल्लाह ने औलाद के अंदर इतनी पावरफुल इतनी एक पावर तो जबिलत, इंसान की जबिलत में एक नेचर है कि आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल नेचुरल है। तो आप, मैं वही कहता हूं, आप भी माशाल्लाह बड़े हैंड्स ऑन डैड है, मैं अक्सर आपकी चीजें देखता हाँ, रहता हूं। बहुत इन्वॉल्व और प्लस आज के जमाने में होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और ये सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आती है और उनको लगता है बच्चों के सब जो देख रहे हैं वो सही है तो उनको फिर डिस्टिंग्विश करना बताना कि क्या सही है और क्या गलत है बड़ा जरूरी है। और फिर हमारे तो क्योंकि मजहब की आई थिंक रुझान देना उनको बताना कि ये कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम जितनी भी एजुकेशन देखते हैं बड़ा मुझे जैसे मैंने आपको आते बोला कि ये शो इज सो गुड कि हम सवालों के जवाब दे रहे हैं, अगर बच्चे देखते हैं तो कितनी दे लर्निंग सो मच इंस्टेड ऑफ वॉचिंग जंक दे शुड वॉच दिस शो। इसी तरह हम मैं देखता हूँ कि बहुत जंक अवेलेबल है बच्चों के लिए गैजेट्स पे टेलीविजन पे, कुछ ऐसा क्रिएटिव इंटेलिजेंस रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों को किसी हद तक बिल्कुल okay. बिल्कुल हाँ, किसी हद तक टाइमिंग होती है उनकी कि इतनी देर वो बैठ सकते हैं कि व्हाट आर दे वाचिंग। आई आल्सो आई वांट टू नो व्हाट आर दे वाचिंग, मैं हर चीज देखता रहता हूँ कि क्या देख रहे हैं। नहीं होना चाहिए जी हाँ। अच्छा जी एहसन आपने दो कैटेगरीज हमारी खेली हैं, देखते और हैं दोनों जबरदस्त खेली हैं।
50,000 रुपए आप जीत चुके हैं हमना, थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन करें। एक्टर्स कौन सबसे ज्यादा कौन सी फेवरेट है? फेवरेट बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया इसका, अभी भी नहीं देंगे। अच्छा वो इसलिए नहीं दे सकते यार, आपसे पूछूंगा आप दे देंगे आपकी फेवरेट कौन सी? बताए पूछे मेरे से कौन है फेवरेट? हुमायूं सईद। एक्ट्रेस बोला है उसने यार, तो वो एक्ट्रेस भी बना हुआ है। नहीं नहीं ऑफ कोर्स आई थिंक मैं, ये बड़ी मुश्किल सवाल होता है, हमेशा फंस जाता हूं इस सवाल पे, क्योंकि मैंने जिनके साथ भी काम किया वो इतने सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स, आर सो ब्रिलियंट। बगैर ज्यादातर ये काम सभा के साथ करते हैं, मानते नहीं है सभा के साथ बड़ा नहीं, सभा इज वंडरफुल ऑफ कोर्स, सभा नहीं, मैंने सबके साथ, महवेश के साथ भी बहुत काम किया है मैंने, महवेश के साथ, आयशा खान के साथ, सबके साथ जो भी जितनी भी हैं सबके साथ काम किया है, एंड देर ऑल ब्रिलियंट। आप किसका नाम लो इनमें से? देखिए हर एक्ट्रेस के लिए ना बच्चों, जैसे बंदों के लिए पीएचडी होती है ना, उस तरह हीरोइन के लिए पीएचडी है कि मैंने एसएन के साथ काम किया। सो दे वो पीएचडी हुमायूं है, मैं नहीं हूं। वो चलो बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स हां। चाहे हमना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब देखते हैं अगला कैटेगरी कौन सी, ताकि कैटेगरी लॉक करते हैं तो उसके बाद हम आगे भी चलते हैं। आप दो कैटेगरीज हमारे साथ खेल चुके हैं, देखते हैं पीछे कौन सी कैटेगरी बची है। कल्चर हो गया, इंग्लिश हो गया, कौन सी अगली कैटेगरी है जो आप 50,000? अच्छा बाय द वे 50,000 लॉक तो करें, लाख रुपए के लिए, लाख रुपए के लिए, लाख रुपए के लिए, सर लाख रुपए के लिए लॉक हो गया। बताएं क्या खेलना चाहेंगे? बच्चों क्या खेलें? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, दो बच्चे कह रहे हैं जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कर दो। जनरल नॉलेज उनकी बड़ी अच्छी है, ऐसा क्या पता है, ही हैज ट्रैवल्ड एंड ही हैज परफॉर्मड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट आई मुझे बड़ी जल्दी चीजें भूल जाती है, मेरी मेमोरी, जनरल नॉलेज अच्छी है, मेमोरी बड़ी बकवास है। यार फिल्में देख के फिल्मों के नाम नहीं याद रहते, आपको पता है? बिल्कुल, ये शैबी है हमारे लाइब्रेरियन जी। अच्छा, मैंने कहा इंट्रोडक्शन करा दूं, भूल गया वो। अच्छा वो ये भी मौजूद है, वो बोल ही नहीं रहा बेचारा। नहीं मैं जनरल नॉलेज आया। नहीं तो बोलो ना भाई, इस शो में क्यों आए हो? बोलने नहीं आया, क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूँ? मैं पिछले पैसा मांगे वापस आया हूँ। अच्छा। मैं शो में आया हूँ भाई, मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे, जनरल नॉलेज लिया इन्होंने। हाँ। जी जी सर, ये बताएं कि अभी लॉक नहीं किया जनरल नॉलेज? नहीं किया अभी लॉक नहीं। जनरल नॉलेज इज लॉक, लॉक आप कर दिया जी। जनरल नॉलेज का सवाल एक अपने लिए कर रहा हूँ कि अगर सर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो चीनी लड़की से शादी कर सकते हैं? उफ अल्लाह, उफ भाईजान। हाँ, कर सकते, कर सकते, कर सकते, बस बात खत्म भाईजान। आपको पता है अगर कप एक अच्छी चाय के अंदर चीनी ना हो तो उस कप का क्या हाल होता है? क्या होता है? ब्रेक। हाँ दिन हजरा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छड़ी के बच्चे, विल बी राइट बैक। Welcome back from the break. खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं चड़ी के बच्चे। आज बच्चे। Alright, आज हमारे पास पाकिस्तान का सरमाया एहसन खान आए हुए हैं। एहसन कैसे आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो मनी ट्री पे देखते हैं आप किधर हैं। फौरन आते साथ ही आपने जो नुकसान किया है हमारे 50,000 तक आप पहुंच गए हैं। एहसन, शादी आपने एक अर्ली एज में कर ली थी, मुझे बताएं घर की वो थी पसंद या आपकी पसंद थी? नहीं नहीं, मेरी पसंद थी। आपकी पसंद थी? भाभी को मालूम था कि आप अदाकार भी हैं? और जब आप इतना घर से बाहर होते हैं, अवे होते हैं, और आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है वो फुल बीवी ने संभाली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के मियां बीवी के अंदर वो अलग, क्योंकि हमारे दौर में तो होता था कि जी बाप से सवाल नहीं पूछना, घर आएगा तो खाने लग गया है। मगर अब एक डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब मियां बीवी को बड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ता है, दोस्ती होनी चाहिए। तो आपकी मेन माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाब शादी की क्या एडवाइस देते हैं आप? आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि आपस में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुझे लगता है कि आप दूरी जो है ना, डिस्टेंस, जैसे आपने बोला रिस्पेक्ट तो रखनी ही चाहिए एक दूसरे की। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको अगला शख्स भी रिस्पेक्ट देगा, और आप अपनी बाउंड्री सेट कर दें, आप दूसरा भी अपनी बाउंड्री सेट करता है, जितना आपका राइट है उतना आपके स्पाउस का राइट है। मतलब ये बीवियों के लिए भी बात है और मियाँ के लिए भी, राइट्स एक जैसे होने चाहिए, यानी दोनों की इज्जत
ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाली दे सकता हूँ और कोई मुझे फिर नहीं दे सकता। दोनों की इज्जत बराबर की इज्जत होनी चाहिए। और सबसे पहले इज्जत रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा होना चाहिए। आई थिंक दोस्ती मतलब कभी कभार होता है कि सच बड़ा कड़वा लगता है, तो आप मियां बीवी नहीं, अगर सवाल करें तो सच कड़वा लगेगा ना। आप सवाल करने का मौका ही ना देना भाई। आप यो वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक हीरोज ऑफ पाकिस्तान, तो भाभी कितनी कंफर्टेबल होती हैं कि यार आई एम इनफ रोमांटिक विद हर आल्सो, शी नोज लाइक या सो। और मेरी शादी से पहले आई नो हर लाइक 3 साल शादी से पहले भी उसको जानता था मैं। अच्छा। और शादी को माशाल्लाह इट्स बीन 15-16 इयर्स नाउ। माशाल्लाह। सो वो अल्लाह का करम है यार। और आई थिंक दोनों पार्टनर्स की सेंसिबिलिटी काउंट करती है। देयर इज ऑलवेज डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो, हर चीज ऐसे देखने में, क्योंकि आजकल हम वो लगता ये कि सब कुछ वाइट वॉश्ड है, सोशल मीडिया पे हैप्पी पिक्चर्स आ रही होती लोगों की और बड़े रोमांटिक अंदाज में कोई फूल दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। वो सर्टन टाइम के लिए वो चीज़ें, तो 24 घंटों में 2-4 मिनट वैसे होते हैं, मुश्किल चीज़ें भी आती हैं। तो आई थिंक समझदारी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे। आपके करियर में बहुत बड़ी बड़े हीरोइंस के साथ आपने स्क्रीन शेयर की है, फिल्म के ऊपर भी, टेलीविजन के ऊपर भी। कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ दोबारा काम करने का आपको वाकई होता है कि यार आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर अगेन? आई थिंक व्हेनेवर आई वर्क विद सबा इज ब्रिलियंट वर्किंग विद हर, बिकॉज वो महविश हयात, महविश, क्योंकि महविश और आपकी डांस केमिस्ट्री कमाल है। हाँ, मुझे लगता है सर केमिस्ट्री बहुत मजे की। और वो महविश क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मर है, जिसका सबा, सज्जल, इवन मायरा, मैंने मायरा के साथ एक प्ले किया सिर्फ, और आई वुड लव टू। अभी तक एक किया हुआ? हाँ, एक किया था हमने, जो उसका पहला मायरा का प्ले था। हाँ। वो प्ले मेरे साथ और हुमायूं, हम दोनों थे उसमें। So I feel के वो तो नीलम को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नीलम ऑफ कोर्स। हाँ, नीलम ऑफ कोर्स, मुझे माफ कर दो नीलम। नीलम को कौन भूल सकता है यार। मैं नहीं भूल पाता हूँ। आई थिंक नीलम मेरी, हाँ क्या, बहुत अच्छी है नीलम, बहुत अच्छी। मैं उनके तो तेल है ना, उनका उसका बहुत इसका तो क्रश है नीलम। कह रहे मैं तिल का फैन हूँ। आप नीलम के फैन हैं? तिल का फैन है वो। तिल किसका है? किसका है? नीलम का। नहीं, ऑफ कोर्स, ये अपने नान पे एक्स्ट्रा तिल लगवाते हैं उसके लिए। नहीं, वो नहीं, मैं फैन। अच्छा, और एक हैरत की बात है कि समहाउ नीलम के साथ मैंने जितना भी काम किया है, 80-90% वो हिट काम है, लाइक लोग पसंद करते हैं हम दोनों को। और कोई वीडियो, कोई हम एक साथ हो तो लोग छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा I don't know why, लेकिन वो बहुत ज्यादा prominent हो जाते हैं। तो of course, how can I forget her? मतलब ये तो आपने वो बात की ना, नीलम से तो कर ही रहा हूँ काम। ये मैं महविश के साथ शायद मुझे काम किए हुए 3-4 साल। हाँ, लास्ट आपने जो यूस्टन में परफॉर्म किया था, that was my last work with her. And सबा के साथ अभी बहुत सालों बाद फ्रॉड किया। तो अच्छा, फ्रॉड लिखा किसने? जंजबील। जंजबील ने? हाँ। ओ, and direct कौन करे? साकिब खान। साकिब, जिन्होंने फिल्म भी अभी बनाई थी। अरे अरे, ओके ओके, वेयर रियली गोना लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपका नेगेटिव ही है। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर कॉनमैन है, लेकिन वो नेगेटिव उसमें शेड्स इसलिए मजे के मुझे लग रहे हैं क्योंकि उस एक ही प्ले में मैंने 3 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं एक ही प्ले में। कैरेक्टर नहीं कहूँगा, ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं, लेकिन लेयर्स हैं कैरेक्टर। एक जगह मैं बहुत जब प्ले ओपन होता है तो लगता है बड़ा एक डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो एक बिल्कुल जाहिल आदमी निकल आता है, फिर वो एक गांव का देहाती आदमी बनता है उसमें, फिर वापस एक शहरी आदमी बनता है। सो वो उसका वार्डरोब, उसकी एक्टिंग और वो पूरा बड़े डिफरेंट डायनामिक्स है। ये भी कैरेक्टर करने गए थे, कैरेक्टर एक्टिंग बताएं, तो फिर क्या हुआ था? कैरेक्टर लूज हो गया, कैरेक्टर लूज हो गया था। मेन के एक ड्रामे का बहुत फैन है। किसका? अलीफ। अलिफ का? हाँ, वन ऑफ माई लाइक गुड परफॉर्म, आई रियली लव। उसका तो एक एक जो सीन था ना जी, वो तो मैंने उस तरह की, वो वाहिद मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे प्लेस मैंने किए, लेकिन वो ऐसा प्ले कि जब मैं सीन करता था तो मुझे उसका एक एक जुमला और एक एक लाइन, एक एक लफ्ज फील होता था। और ये बहुत कम होता है कि एक्टर को कोई चीज़ फील, अभी भी मैं बात करूँ तो मुझे लगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यानी दिस इज द फील दैट an actor only can understand. And you did a fantastic job in it. Haan, although aap jante ho yaar, usme mera guest appearance tha. When I signed the play, mera ek guest cameo tha, chota role. Lekin somehow wo, kyunki Kubra ne bhi bahut acha kaam kiya, aur Haseeb bhai is a wonderful director, Hamza and Sajjal, everyone was wonderful, pura uska music sab kuch. Lekin wo mere jo chand scene the, 20, 30, 40 scenes, wo bhi itne प्रोमिनेंट हुए, उन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्त फीडबैक मिला, तो मैं सरप्राइज। छोटे काम में आप छा गए थे, वो होता है ना कि कुछ लोग इंपैक्ट करके बस छा जाते हैं। आपने कैटेगरी लॉक की जनरल नॉलेज, अब देखते हैं किस बच्चे की जनरल नॉलेज अच्छी है। आहा, जरगून। जरगून के बच्चे,
लेकिन मुझे क्या फायदा होता उनको बुलाने का? आपको पता है ये सवाद से हैं। अच्छा माशाल्लाह। और I met his sister, I think. बहन है यहाँ पे? हाँ, पश्तो में बात करते हैं भाई, पश्तो में। अभी मैं सवाद में प्ले करके पूरा मेरा प्ले था मेरे हमनशीन उसमें पठान बना हुआ एक पूरा वो सारा सवात में शूट किया मैं एक महीना रह के आया था सवात बड़ा खूबसूरत बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस अच्छा जी सबसे पहले हम लॉक करते हैं 1,00,000 रुपए का सवाल जनरल नॉलेज का क्या है व्हिच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज यूनाइटेड स्टेट्स एज इंडिपेंडेंट अरे वाह 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 जनरल नॉलेज इनको कैसे पता है सब इनको क्योंकि इनके ग्रेड का इनके सिलेबस का है इनके सिलेबस में है ये रोज पढ़ते हैं वो अगर आप कहते हैं मारते हैं इनको कैसे पता तुम लोगों को बताओ वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की आजादी को कबूल किया था कहा यू आर इंडिपेंडेंट आई नो जिस तरह आपकी बेगम ने आपकी इंडिपेंडेंस आज तक कबूल नहीं की गई भी गांव गई भी है गांव गई हुई है बताया था ना आपको हाँ बड़ी देर से गांव गई हुई है अच्छा बजर अगर दबा दी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा हाँ जी जाहिर बात है अगर ना दबाया तो भी आपको देना पड़ेगा कितने कितने पैसों का सवाल था ये लाख का सवाल अगर गलत हो गया तो मैं घर जाऊंगा आप घर जाएंगे मुझे लग रहा है आपका मूड है घर जाने नहीं व्हिच कंट्री चीट ले सकते हैं अगर कंफ्यूज हैं तो चीट ले सकते हैं चारों बचा के रखूं बजर दबाते हैं दबा दिया अब तो कुछ नहीं कर सकते मैं चाहता हूं चीट जो है वो मैं बचा के रखूं ताकि 50,00,000 तक तो पहुंचना यार हम मतलब थोड़ा आगे तो जाना ही है यार अच्छा जी व्हिच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनाइटेड स्टेट्स एज इंडिपेंडेंट बच्चों की शक्ल पे एक्सप्रेशन ही दे दो हाँ, कौन सी वैसे ले अच्छा ये बताएंगे नहीं कुछ नहीं बताएंगे कुछ भी बताएंगे ना ना लिख भी दिया है इज इट इफ आई एम कंफ्यूज्ड इन टू दो मुख्तलिफ मुल्कों में कंफ्यूज हूँ ओके और दो नाम ले सकता हूँ आप अभी ले लें मगर आपने बजर दबा दिए तो फिर एक नाम मैं एक ही काउंट करूंगा अच्छा कौन से दो आपके माइंड में आ रहे एक मेरे जहन में आई हैव मोरक्को अच्छा एंड बट देन आई थिंक इट्स नॉट द अदर कंट्री बिकॉज वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था तब सो कुड बी मोरक्को मोरक्को सीरीज थी जब इनको इसको रिकग्नाइज करने में द फर्स्ट वन वैसे तो बहुत यू नो एवरीवन डिड इट इन अ रो बट द फर्स्ट वन कुड बी मोरक्को आई थिंक बजर आपने दबा दिए है तो मोरक्को अगर आप कहते हैं मोरक्को लॉक कर दूं आई थिंक आप लॉक कर दें मुझे लगता है कि ये मोरक्को लॉक कर दें जी इज इट ट्रू और नॉट सही है सही है सही है मुझे किसी ने सिग्नल ये जो बताता है वो गलत होता है जी नॉर्मली हाँ क्या नहीं ये तो अभी बड़ा खुश हो रहा था कि मैं लॉक हो गया वैसे भी लॉक हो गया लॉक हो गया अच्छा जी इज इट ट्रू और नॉट मोरक्को यार मुझे लग रहा है यार पेपर आउट हुआ है ये पेपर आउट हुआ है इसको मोरक्को वाह अलग ही बड़ा टफ था जी सर ये नहीं मैंने जब मोरक्को बोला ना तो मैं बताता हूँ मुझे जायान ने ना यूं किया अब ये मैंने बता दिया आपके ड्रेसिंग पे कर रहा था ड्रेसिंग पे कर रहा था मुझे लगा मेरे समझ कंफ्यूज करता था मैं कॉन्फिडेंट हूं जायान अच्छा आपका जो सबसे बेस्ट ड्रामा रह गए आप वो बताएं बेस्ट ड्रामा सब मुझे अपने सब अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा था उडारी क्योंकि उसमें आपने एक नेगेटिव रोल किया था और मुझे भी शौक हुआ कि आप तो एक हीरो हैं लेकिन नेगेटिव रोल क्यों प्ले किया तो आप उसे एक्सपीरियंस ही बताएं अपने फैंस के बारे में बताएं कि उन्होंने क्या किया उन्होंने बड़ी गालियां दी मुझे फैंस ने बहुत मतलब रोक रोक के मुझे खवातीन ने रोक रोक के बोला कि ये तू क्या कर रहा है प्ले में बेटा क्या हो गया तुझे और मेरी माय मदर कॉल्ड मी अप शी वाजंट देयर उन्होंने कहा सिक्स एपिसोड देखने के बाद उन्होंने मुझे फोन में बोला बेटा ये क्या तुमने किया है ये क्या काम है और इस तरह का रोल क्यों किया मतलब और फिर पता ये चला कि उनकी जो फ्रेंड्स थी सारी वो भी उनको कह रही थी कि ये तो इतना अच्छा बच्चा है इतना प्यारा बच्चा ये क्या कर रहे हैं मोहल्ले की आंटियां भड़का देती हैं अब बस वो भड़का तो अम्मी को मैंने बोला अच्छा आप देखें किसी हम कॉज क्योंकि वो एक कॉज था और जहां तक मुझे याद है कि एक बार जब वो मुझे प्ले ऑफर हुआ तो मैं मना कर दिया था मैंने बिकॉज वो इतना एक
अजीब सा कैरेक्टर था। हाँ, और बड़ा कंट्रोवर्शियल। अभी हम आज से चार साल आई थिंक 2016-17 का सब, बल्कि हमारी हिस्ट्री अगर जब उठाई जाएगी तो वन ऑफ द बोल्डेस्ट टॉपिक एंड कैरेक्टर वो कहा जाएगा। अब फिर भी एक्टर्स एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हैं। 1670 जो हीरो था वो अपने आप को बस हम लोग नहीं, आई थिंक देखिए चाइल्ड अब्यूज हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर अगर हम अपने लोगों को अपने माँ बाप को एजुकेट नहीं करेंगे तो किस तरह होगा। सो मुझे मैंने यही सोचा कि एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, एक आवाज उठाने वाला प्रोजेक्ट है किसी सर्टन कॉज के लिए, तो वो जब भी कोई मुझे कोई कॉज जुड़ जाए अगर किसी के साथ तो मैं फिर बड़े अपने दिल से वो चीज करता हूँ। और लेकिन उसने मुझे पे ऑफ भी किया, कुछ मुझे नुकसान भी हुआ उसका, उसी तरह के रोल ऑफर होते हैं ज्यादा। एक दो कैंपेन्स थी जो मेरे हाथ से इसलिए चली गई क्योंकि आई प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड सपोज़िटली पड़ता है ब्रांड्स आपको डिफरेंटली देखते हैं। मेरे साथ हुआ एक दो ऐसी चीजें हुई, बट देन अगेन आई वो मुझे उससे कोई उसकी परवाह नहीं हुई इसलिए कि मैंने एक रीजन के लिए काम किया और मुझे लगता है कि ये हमेशा मेरे साथ ये रीजन जो है ये जुड़ के रहेगा कि मैंने आई थिंक इट वाज वन ऑफ द उसके बाद आई वाज द एंबेसडर ऑफ आई एम स्टिल द एंबेसडर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एनसीआरसी जो हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जो फकीर बच्चे होते हैं उनको इस काम से रोकने के लिए जो बच्चों के साथ जहाँ जहाँ भी कहीं पर कोई जुल्म ज्यादती हो रही होती है तो अक्सर मुझे याद किया जाता है आवाज उठाने के लिए तो आई फील लकी। नहीं आपका चैरिटी वर्क हमें नजर भी आता है बिकॉज यू आर वेरी हैंड्स ऑन व्हेन इट कम्स टू चैरिटी वर्क और कॉजेस के लिए और इसलिए आप हमेशा जो कैरेक्टर्स करते भी हैं वो नजर भी आते हैं। मनी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मनी चार्ट पे आप किधर हैं। 1,00,000 रुपया आप जीत चुके हैं। 1,00,000 जीत गया हूं मैं जी, 1,00,000 जीत गया। अगर आप बजर दबाएंगे तो 2,50,000 रुपए के लिए अभी नहीं जा रहा मैं भाई। ख्वाजीन हजरात कैटेगरीज देखते हैं 2,50,000 रुपए के लिए कौन सी कैटेगरी के अंदर आप खेलने जाएंगे। अब कैटेगरी चेंज होगी, ये भी आपके साथ एक और कैटेगरी खेलेगा, पर्सनालिटी मैथ्स रिडल स्पोर्ट्स फिजिक्स साइंस ज्योग्राफी सोशल स्टडीज एनिमल किंगडम। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो आपको 2,50,000 रुपए जितवाएगी। 2,50,000 सर 2,50,000 के लिए खेल रहे हैं। आइदर विल गो फॉर साइंस और रिडल, वन ऑफ देम रिडल्स या साइंस। बच्चों मुझे कौन लग सा? रहा है मुझे लग रहा है जो आपके हरकतें हैं ना पहले बच्चों ने कहा रिडल, बच्चों ने कहा रिडल्स, बच्चे मरवाएंगे आपको बता रहा हूं। ओके ये उलट कर रहे होते हैं। हाँ। यार मैं बच्चों को बड़ा अच्छा समझ के मैं समझता हूं ये बच्चे जो है ना मेरा साथ ये छठी के बच्चे हैं ये देखें आप इनके पैसे लेके जा रहे हैं भाई ठीक है ये याद रखिएगा। चलो सही है बजर दबाएंगे लॉक कर दूंगा। रिडल्स 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 इट इज। ओके जी रिडल्स का सवाल 2,50,000 रुपए का ठीक है आइए जी देखते हैं। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड व्हाट एम आई। वैसे ये एक्चुअली ये छठी का नहीं ये चौथी का सवाल है। चौथी का सवाल बहुत इजी है बहुत इजी इसलिए तो बता रहे कभी कभार इजी भी आ जाते हैं सुपर इजी। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग यानी जब नई नई चीज होती है तो यंग है तो वो टॉल है और जैसे ही वो पुरानी होती जाती है शॉर्ट होती जाती है। वैसे आपको पता है ये इंसानों के लिए भी आपको आपको मालूम है कि एज के साथ आपकी हाइट डिक्रीज होती है जी बिल्कुल और ओल्डर पीपल गेट शॉर्टर एटलीस्ट 1 or 2 inches लेकिन कान बड़े होते रहते हैं ये भी बता दूं मैं आपको नाक और कान। नहीं नहीं अब डॉक्टर हारून है ये कौन है कोई नहीं है अच्छा ओके आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट अ कैंडल मोमबत्ती की बात करें। अच्छा आपने बजर दबा दी है मैंने मुझे तो ये बहुत आसान लगी तो उसके बाद आपने कैंडल भी कह दी है। ऑफ कोर्स इट्स अ कैंडल तो कैंडल लॉक कर रहे हैं हम लोग नहीं कर सकते यस सर कैंडल लॉक करें। अच्छा जी मनी ट्री की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं एसएन कहां तक पहुंचे हैं। 2,50,000 रुपया एसएन अगर आप बजर दबाएंगे जो मैं आपको कहूंगा ना दबाएं आप 5,00,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप 2,50,000 रुपए यार मतलब 5,00,000 तो लेके जाओ ना अब चलो मैं गलत अगर नहीं अब अभी सही करूंगा तो 5,00,000 मिलेगा उस टाइम लाख पे ये बोल देते नहीं मैं समझा अभी 5,00,000 मिल गया मुझे नहीं 2,50,000 मिला अभी 2,50,000 मिला अभी 2,50,000 मिला नहीं 5 लेके जाएंगे ये दबा दिया यार भाई दबा दिया बस। ओके भाईजान जरखून थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले 200 या 300 नहीं नहीं सिर्फ एक बेटे हमारे पास टाइम भी कम है चलो। अच्छा आपको कभी पेट्स का शौक हुआ है। पेट्स का बहुत आई हैव डॉग्स आई हैव अ कैट आई हैव पैरट
और क्या है, तीन तो नहीं, हमारे पास भी बड़ा अच्छा डॉग है। किधर है? इधर कहीं होता है। अच्छा जी, आपने अब अगली कैटेगरी लॉक करनी है। कैटेगरी दिखाइए, पर्सनैलिटी, मैथ, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम, सोशल स्टडीज। अच्छा, वी हैव डन कल्चरल नॉलेज, इंग्लिश, इधर वालों से बातचीत बनी। फॉर साइंस या एनिमल किंगडम, क्या करें? साइंस या बच्चों, साइंस या एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम। साइंस। हाय, अब नहीं बच्चों की मान रहा, साइंस उल्टा करेंगे। 2.5 लाख जो आगे है, 2.5 लाख। अच्छा जी, ये फंसाएंगे मुझे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने बच्चा चूज करना है और साइंस का सवाल आपके साथ होगा। खातिन औजार, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं छड़ी के बच्चे। आपसे अच्छे एंड वेलकम बैक खवातीन हजरात। हमारे साथ आज एहसन खान मौजूद हैं, जो कि पैसे पे पैसा जीती जा रहे हैं। मैं इसलिए बजर दबा रहा हूं कि मैं एक्साइटेड हो गया हूं कि पैसे ज्यादा से ज्यादा जीतूं। भाईजान, इसलिए हम कहते हैं कि बड़े स्टार्स को ना बुलाया करें, बड़े लालची होते हैं। और हम क्या कहते हैं, लालच बुरी बला। ओहो, ये मुझे लग रहा है घर की बेल बजा रहे हैं। अंदर आने, कि मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, मनी ट्री की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप मनी ट्री पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमारे साथ। मनी ट्री पे आप 2.5 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं और आपने बजर दबा दी है। अब आप 5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हमारे साथ। फिर दबा रहा हूँ कि 5 लाख नहीं, पता लग गया मैं यार, पता लग गया 5 लाख रुपए के लिए। अच्छा, आपने जो कैटेगरी चूज की वो साइंस थी, साइंस। साइंस के लिए अब आप किस बच्चे के साथ खेलना चाहेंगे? मुस्फरा। आज मुस्फरा मुस्फरा, आर यू रेडी? 5 लाख रुपए के लिए अब आप उनकी हेल्प करने लगी हैं, ठीक है? हमारे पास एक ऐसी लाइफ है ना कि जो ये बोलेगी और अगर मुझे नहीं आता मैं उसके साथ चला जाऊंगा। बिल्कुल। अभी आपके पास तीनों चीट्स हैं। हाँ, मैं आपके पास ताका झाकी, आपके पास बचत और आपके पास छाप दो, तीनों हैं। आप बड़ा अच्छा भी खेल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गए और एक भी चीट नहीं आपने। अब आप 5 बोले बस, हम 5 हो गया। बच्चों का साइंस इजी होगा। आए जी, लगाएं जी 5 लाख रुपए का सवाल दें। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? यार ये तुम लोग कुछ कर रहे हो आज, मुझे लग रहा है ये। वो देखो I know, बहुत इजी है। ऑनेस्टली बहुत इजी है, ये तो हर एक को पता है। हाँ, पता होगा, वो तो एक्टर की ईगो। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। शेबी, क्या है बताइए आपके माइंड में? मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ भाई। अच्छा, तुझे पता ही नहीं है? नहीं। The hardest substance on earth क्या है? ठीक है, आपका आंसर पहले लेता हूँ। जो natural substance निकलते हैं उसमें मतलब लोहा भी हो सकता है और भी बहुत तांबा है और बहुत चीजें हैं। आप गुटका है, गुटका मेरे तो दादा निकले आएंगे जमीन के नीचे से। गुटका है, सुपारी है, बड़ी चीज है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इनके लिए, हार्डेस्ट। बताओ क्या जवाब दूं? जी सर, आपने बजर दबा दी है। हाँ, ऑफ कोर्स, ये बहुत इजी है। बल्कि ये छठी का सवाल नहीं है, ये तो यंगर उसका है। अच्छा, ले भाई, है ना? इजी है ना बच्चों? इजी है। तो बस वही है जो मैं समझ रहा हूँ। जब मैं कंफर्म हो गया, डायमंड हीरा, हीरा, डायमंड हीरा। हाँ, अरे क्या बात है, अब अपने लॉक तो कर दिया, अब क्या हो सकता है? अब तो आर्या पार। ओहो, डायमंड लॉक करें जी, डायमंड लॉक करें, डायमंड इट इज। ये वाकई बड़ा इजी था। मेरा ख्याल है आज जो हमारी टीम है ना, वो आपकी फैन, बिकॉज उन्होंने बड़े ही इजी सवाल रखे। हालांकि जब 5 लाख रुपए का सवाल आता है बड़ा मुश्किल होता है। चले, मैं मुश्किल सवाल कर लेता हूँ। ये भी आसान था और इससे पिछले वाला भी आसान था। हाँ जी, अब आप कर मैं कर लेता हूँ मुश्किल सवाल सर से। जी बताइए, आपने सर अक्सर देखा कि पब्लिक प्लेस में एक बोर्ड लगा होता है गाड़ी आहिस्ते चलाएं, बहुत सारी जगह पर लगा होता है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर नहीं लगा होता, क्यों?
इसका जवाब मुझे नहीं आता क्योंकि वहां गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है। वेरी नाइस वेरी नाइस। यार ये बच्चों के शो वाला आदमी नहीं है भाई। मैं आपको बता नहीं है। मैं बड़े अरसे से चाह रहा हूं कर रहे हैं ये सबको ये बता रहे गाड़ी स्लो करो लड़कियों की लाइब्रेरी में दफनाना चाह रहा हूं ये हो नहीं रहा। अच्छा जी अब मनी ट्री की तरफ आते हैं। एसन देखते हैं बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अभी तक आपने कोई भी चीट इस्तेमाल नहीं किया। 5 लाख रुपए तक आप पहुंच चुके हैं। अगर आप बजर दबाएंगे ना दबाइएगा क्योंकि मैं आपको 5 लाख रुपए ऑफर करने वाला हूं। 7.5 लाख रुपए के लिए आप खेलना चाहते हैं तो बजर दबाएंगे। मेरे से 5 लाख रुपए कैश लें अभी इसी वक्त घर जाएं। नहीं सर बजाएं आप। आपका 3 चीट है ये तो आप अपने पैसे बचाते हैं। घर जाएं मैं आपको बता रहा हूं घर जाएं। आप भले बच्चों से पूछ लें। ओवर कॉन्फिडेंट यहां बंदे जो होते हैं अक्सर बेचारे बड़े मारे जाते हैं। अच्छा अगर मैं अगला सवाल गलत जवाब दे दिया तो क्या मिलेगा मुझे? 0। हाँ जी यहाँ 2 ही ऑप्शन है। तो आगे जाते हो या नीचे आ जाओ। डू और डाई। यार ये तो बहुत बुरी बात है जो इतने सवाल आते इतना टाइम दे दिया उससे क्या मिलेगा मुझे? नेक दुआएं वापसी का किराया। क्या करें बच्चों जाऊं पैकअप। सवाल खेले सिर्फ। हाँ? एक सवाल खेले। एक और खेल लूं जी हाय हाय बच्चों क्या करते हो? अरे सर उनके पास 3 चीट हैं अभी। क्या करते हो एसन को कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा जी इन्होंने दबा दिए 5 लाख रुपए। कैटेगरीज दिखाइए। कैटेगरीज हमारे पास कौन सी बची हैं? 7.5 लाख रुपए का आपका सवाल आने वाला है। पर्सनालिटी मैथ्स स्पोर्ट्स फिजिक्स सोशल स्टडीज ज्योग्राफी एंड एनिमल किंगडम आपके पास बचा है। ओए होए 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 बताइए। मैथ्स मैं लास्ट कर ही रख रहा हूँ। मैथ्स तो बिल्कुल सोशल स्टडीज और पर्सनालिटी में से चूज करेंगे। कहते हैं एक्टर का हिसाब अच्छा होता है। बस अपने चेकों और उस तक अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी पर्सनालिटी लेते हैं। सोशल स्टडीज अच्छा वर यू गुड एट सोशल स्टडीज? ओके सोशल स्टडीज हैं तो बजर दबाएंगे तो मैं कुछ करूँगा। सोशल स्टडीज लॉक हो चुका है जी। ज्योग्राफी भी अच्छी है अगर पाकिस्तान के तरफ सवाल आते हैं ज्योग्राफी भी अच्छी। जी सर बताइए जरूर। आपका हार्डेस्ट ड्रामा कौन सा है? मुश्किल तरीन। हार्डेस्ट कैरेक्टर आपने कौन सा प्ले किया? सवाल भी बड़ा मुश्किल है। हार्डेस्ट जिसके लिए बड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ी फिजिकली बड़ा एग्जर्ट किया। आई थिंक मैंने थिएटर किया था जो यूके में था वो मेरे लिए मुश्किल था। दैट वाज अ हार्डेस्ट इसलिए कि वो लाइव आई प्रैक्टिस फॉर दैट फॉर 25 डेज। मुझे 20 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत इट वॉज अ ह्यूज स्क्रिप्ट इट वॉज ऑल इन इंग्लिश और वो उसके एक्सप्रेशंस भी थोड़े और तरह के थे तो वो मेरे लिए आई थिंक मुझे एक्सप्रेशन से याद आया ये एक्सप्रेशन कैसा है ये एक्सप्रेशन कहाँ कहा है? वो तो मुझे लग रहा है कि वो तो आपके बचपने का तस्वीर है। और ये जब आप टीन्स में थे ये तब की है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं टीन्स की नहीं। कब की है ये? It's not more than 10-12 years. 10-12 years? हाँ. और ये कहाँ की है तस्वीर? ये लाहौर राइट साइड वाली। राइट वाली बात करें ना लेफ्ट वाली तो अब ये तो आई थिंक आई एम 8 or 9 years old. ये were you here or were you there? ये हेयर की है वो देर की। अच्छा ये लंदन की है और डेफिनेटली माई स्कूल। अच्छा जब ये ऑब्वियस बात है ये वाला जो हेयर एंड देयर वाला जब वायरल हुआ तो इट जस्ट ब्लू अप और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वायरल वो जो या तो वो जो क्रिकेटर बाबा है ठीक है उसका है या फाड़ी हो रही है या आपका है। हाँ. तो ये जो इतनी वायरल सेंसेशन हुई पहले आपको क्या were you ready for it? I wasn't. ये तो 5 साल बाद वायरल हुई है। बड़ा पुराना एक हाँ. मेरा चैट था वहाँ का जो मैं किसी वहीं की किसी उसके साथ कर रहा था और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान में कोई देखेगा इसको क्योंकि वहीं के उसके लिए था जिन दिनों मैं थिएटर कर रहा था तभी की बात है 2016-17 की बात है ये। सो आई डोंट नो इट विल कम आउट लाइक दिस। पहले मुझे थोड़ा वेर्ड लगा कि यार ये तो एक ज्यादा जुमला निकला है और थोड़ा सा ज्यादा एवरीवन वाज टैगिंग मी एंड बट वो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड प्लेइंग अलोंग बिकॉज मे बी आई डिडंट इवन हैव अ चॉइस। क्या मतलब यू कांट इफ आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि एक गुड फन है ये इट्स गुड फन इट्स फनी। अगर मैं कोई और अगर मेरे सामने किसी और की ऐसी बात है मैं भी उसमें शायद शामिल होकर हंस रहा होता। सो यू कांट रियली डिनाई मगर अभी अभी मैच में आपने बड़ा उसको ग्रेसफुली प्ले किया और आपने उसको अपने स्ट्राइड में लिया कि हाँ यार मैं हेयर भी हूँ वहाँ देर भी। इंग्लैंड की खुशी हुई थी आपको ना फिर?
Honestly, I was rooting for Pakistan, yaar. बहुत ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जीतता, लेकिन they played really well. नहीं, हमारे bowlers तो कमाल थे. हमारी इतनी जबरदस्त वो इंग्लैंड की टीम है, उसके साथ इस तरह से खेल जाना, they were very good. Yeah, yeah, true. उन्होंने बाकी टीम से क्या अंजाम किया आपने देखा? क्या हाल किया था उन्होंने? Okay, 7.5 लाख रुपए का सवाल. Are you ready? Ready. All right. 7.5 लाख रुपए का सोशल स्टडीज का सवाल ये है. In which year Pakistan became a republic? In which year Pakistan became a republic? तीन चीट्स पड़े हुए हैं. वो नहीं, यूज़ नहीं करेंगे. करेंगे एक ले लेना. चीट मैं यूज करूंगा जब मैं 10 लाख जीत चुका हूँ. अभी 7.5 लाख रुपए पे आप पहुंच चुके हैं. मतलब 7.5 लाख रुपए का सवाल है ये. तो जब 10 लाख जीत जाओगे उसके बाद चीट यूज करो. ओके, समझे बट साहब? ओके ओके, ठीक है ठीक है सर. इनको सबको आता है जी? नहीं, ये यहाँ चाहने आए हुए हैं. ऐसा सबने बारे में ये फील हो रहा है यार. कसम से मैं आपको महीना भी बता सकता हूँ. ऐसा पहली बार हो रहा है. डेट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लाइक व्हिच ईयर है ना. हाँ हाँ, हमने तो ईयर पूछा. हाँ ठीक है. आई थिंक इट्स 1956. इन व्हिच ईयर पाकिस्तान बिकेम. ठीक है, 9 years आफ्टर दैट. ठीक है, और ये हाँ 56 है फॉर श्योर. और ऐसे क्यों देख रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ? मैं अपने से बड़ा इंटेलिजेंटली जवाब दे रहा हूँ सोच के. मेरा तो काम, दिस इज मार्च का महीना भाई जान. आपने बजर दबा दी है, मसला ये है. मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता. अच्छा ठीक है, ये मार्च का महीना जी जी. और तारीख में या दो तारीख है या 5 तारीख? अब ये मुझे पूरा जवाब चाहिए. मुझे तारीख नहीं चाहिए. नहीं, ऐसे आप निकाल के पूरा बता दें मुझे. चलें ठीक, ठीक है. या ये 2 मार्च है या 5 मार्च है. और 1956 है. 1956 आपका, पहले मैं लॉक करता हूँ. ठीक है, 7.5 लाख रुपए का 1956 है और आपने अभी तक कोई चीट नहीं लिया. 1956 लॉक करें. लिटरली वापस देखें, वापस देखें. ट्रू है. नहीं यार, मैं गलत नहीं हो सकता. अब मुझे महीना और तारीख बताएं जो इनको नहीं, इन्होंने महीना और तारीख इसकी मैं बताता हूं आपको. तब मैं चाहता हूं लोग 23rd March. मार्च का महीना था ना. गुड ओके. 23rd आई वाज, मैं 2nd या 5th समझ रहा था. इतने शोज आप 23rd मार्च पे करते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. जी जी, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड जी. ऑलराइट, एक और सवाल के लिए खेल रही हैं अभी आप इनके साथ. ठीक है, मनी ट्री के लिए आते हैं. मनी ट्री कहां तक पहुंचा है जी? 7.5 लाख रुपया आप जीत चुके हैं. बजर दबाएंगे तो 10 लाख के लिए चले जाएंगे. मुझे नहीं लगता अब नहीं खेलेंगे आगे. मेरा ख्याल है 7.5 लाख रुपए लें. अच्छा, आप मजे की बात है, 3 चीट्स हैं. 1, 2, 3 तीन चीट्स हैं अब आपके पास. ओए होए होए होए, 7.5 लाख रुपए अगर आप बजर दबाएंगे 10 लाख के लिए आप खेलने के लिए चले जाएंगे. अब 10 लाख वाला सवाल होगा बहुत मुश्किल. और यकीन आप लोग चाहते हैं मैं अंडा लेके जाऊँ घर पे. मैं 7.5 लाख ही लेके जाऊंगा. नहीं, आपके पास चीट्स हैं अभी. हाँ, 3 चीट्स हैं. और ये बच्चे सही मदद करते हैं जी सर. आप बोल रहे थे आपके गेंस. नहीं 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 करते भाई, ये सब मिले हुए हैं. नहीं करते हैं तो नहीं, आगे नहीं खेलूं मैं. नहीं खेलूं या 3 चीट से खेलें? घबरा रहे हैं. 3.5 तक ऐसी रकम है कि मैं इसको अब लूज नहीं करना चाह रहा ना. आई वांट टू. तो है, मगर आपके पास 3 चीट्स हैं. मतलब एक तो आप और एक सवाल में तीनों चीट्स यूज कर सकते हैं. नहीं नहीं, यानी 10 लाख करने के लिए मैं तीनों चीट्स को बंद कर रहा हूं. ये तो अब है. अब देखें ना आप क्या करें भाई. मैं तो कहूंगा बच्चों बताओ क्या करें. मैं तो कहूंगा खेलें ना. खेलें नहीं खेलूं ना. खेलें खेलें ना. खेलें यार, वो बच्चे कह रहे नहीं खेलना भाई. हाँ नहीं खेल रहे ना. वो कह रहे 7.5 लेके जाए. 7.5 ले जाए फिर. मैं तो कह रहा हूँ ले जाए. आए भी 10 लाख रुपए क्यों क्यों रिस्क लेना है. 3 चीट्स. पहली बार कोई होगा कि जिसने एक चीट भी नहीं ली और वो चीट लेने से डर रहा है. मतलब चेक करो. क्योंकि अभी सवाल वो वाला बहुत इजी था, साइंस वाला. भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ 3 चीट्स हैं. हाँ, खेलें. हाँ, अभी तो आप तब वही है कि भाई ये लो यार खेलते हैं. आगे चलो यार, आगे चलो. ओ भाई भाई जान, भाई किसी की बात नहीं मानते आप. नहीं मानते, एहसन खान है भाई. तुम क्या समझ रहे हो जी. मुश्किल है आप आगे.
अच्छा मुस्फरा, आपने इनके साथ दो सवाल खेले हैं, थैंक यू वेरी मच। आइए अब कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी आप 10 लाख रुपया आपको जितवाएगी। 10 लाख रुपए के लिए अब आप खेलने लगे हैं। आप कैटेगरी सबसे पहले देखते हैं कौन सी लेंगे, दिखाइए जी कैटेगरी 10 लाख रुपए की। आपके पास कैटेगरीज जो हैं वो है मैथ्स, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम और पर्सनैलिटी। सो वील गो फॉर इनी मिनी माइनम। अल्लाह ये भी होता है, ये आउट हो गया। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, ओके पर्सनैलिटी लॉक कर रहे हैं। कौन आएंगे आपके पास? अब बचे हैं अली। अली आ जाइए, अली आ जाइए। अच्छा जी, आपका 10 लाख रुपए का सवाल क्या है? ये है, विच पाकिस्तानी हैज द ऑनर टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन 1985? Which Pakistani has the honor to become the Secretary General of Organization of Islamic Conference in 1985? ये वैसे मुझे भी थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर। If I'm not wrong, is this बदल दूँ से पहले? Guess कर सकता हूँ पहले? आप guess करें अभी, अभी मैं lock नहीं कर रहा। अभी आपके पास choice भी है, आप cheat ले सकते हैं। बच्चों पता है? मालूम है? Cheat ले ले। ज़रूरत cheat ले ले। ईगो का क्या मसला है? 10 लाख रुपए का सवाल। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ईगो नहीं है। मैं सोचूं कि अगर उसको भी ना पता तो फिर मुझे जो पता शायद वही ठीक हो। आप ताका झाकी कर सकते हैं आप। हाँ, तो क्या ताका झाकी? नहीं नहीं, पहले पहले बजर दबाएंगे तो ताका। चीट ले रहे हैं। दस से आगे बढ़ना यार। हाँ जी चले। जी पक्का मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहे? I think he's right. वही है जो आपके माइंड में था। सैयद शरफुद्दीन पीरजादा, इन्होंने भी लिखा है, मेरे से भी यही था। ओके लॉक करते हैं जी, लॉक करते हैं 10 लाख रुपए। क्या आप जीत रहे हैं कि नहीं? 10 लाख रुपए आ गया। अब बस, अब नहीं रुकने का भाई। भाईजान अगर बजर दबाएंगे 10 लाख रुपए आपका 25 लाख रुपए के लिए जाने वाले। मनी ट्री देखते हैं, मनी ट्री। एसएन एक चीट आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आपके पास 2 चीट्स बचे हैं। अगर आप आगे खेलने की ख्वाहिश रखते हैं तो अगला सवाल 25 लाख का है। 25 लाख का सवाल है, दबा दूं? नहीं नहीं, 2 चीट्स हैं, 2 चीट्स, दो। नहीं यार मैं नहीं खेलूंगा, बस बस। एंड एंड 10 लाख के बाद दो चीट्स के साथ भी बस। अब सांस फूल गई उनकी। अच्छा सवाल बता दो, फिर मैं सोचूंगा कि मैं खेलूंगा नहीं। हाँ पर आई थिंक ना कि मैं खेलूं ना खेलूं। हाँ हाँ बताएं। एक सवाल आपको बता दूं मैं। हाँ अच्छा। सवाल क्या है? आप रोटी को चोची दे कहते हैं, एड्रा तू ने चॉकलेट हीरो। क्योंकि मैं ये नहीं चाह, मैं ये नहीं चाह रहा जीरो पे वापस जाऊं। नहीं यार, आई थिंक इट्स एनफ। ओ चुट, आई थिंक भाई एसएन के लिए कारपेट बिछाएं उनको ना, यहाँ से पेपर भी दें, पहले वो पेपर देखेंगे। अच्छा ये सवाल मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, इसलिए वो डायरेक्टर नहीं बन रहे, पैंपरिंग का भी से शौक है उनको, देख लें। नहीं सही है, 10 लाख रुपया लेके जाते हैं। 10 लाख रुपया लेके जा रहे हैं। और मैं वो, मैं ये चाह नहीं रहा कि जीरो में 10 लाख रुपया इसलिए भी लेना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैं अगर चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि बच्चों का शो है और उसमें आने का मकसद है विन समथिंग, तो जो भी हमारे डिप्राइव्ड बच्चे हैं या नीडी बच्चे हैं मैं उन पे बहुत सारे ये खर्चना चाहूँगा। सो आई थिंक आई शुड नॉट टेक एनी मोर रिस्क एंड आई शुड टेक दिस अमाउंट। 1 मिलियन इज़ मोर देन इनफ और बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी तो फिर आप बजर दबाएंगे तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। आगे कुछ ना करें अब आप, दी एंड हो गया। 25 लाख? नहीं 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 भाई, आप 25 लाख में और भी आप कर नहीं सकते। मैं बजर दबा रहा हूँ कि हम 10 लाख रुपया लेके मैं जा रहा हूँ। खत्म, ये कहानी खत्म सर, कहानी खत्म। अब किस बात की बहस करनी? एक बात क्रेडिट दे, एक जवाब भी नहीं गलत हुआ मेरा, ये और 2 लाइफलाइन्स बचती, ये मतलब कमाल हो गया सर। मैं आपको इस बात का क्रेडिट देता हूँ, मैं आपके लिए तालियां भी बजाता हूँ। बताएं यहाँ से 10 लाख रुपए आप लेके जा रहे हैं और आप बड़े अच्छे कॉज के लिए डोनेट भी कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा कामयाबी दे। और जिस तरह भी आप चैरिटी का काम भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, उसके साथ साथ आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपके ये सारे काम नज़र भी आते हैं हमें। एंड वी आर हैप्पी कि आप यहाँ से ये अमाउंट लेके जा रहे हैं। शुक्र है हमारा 25 लाख रुपये बच गया है जी, बच गया हमारा। अच्छा अब तो अगला सवाल देख सकते हो कि अब नहीं देख? हाँ अगला सवाल दिखाएं जी। 25 लाख का क्या सवाल था इनका? क्या सवाल था यार? 25 लाख का सवाल देखते हैं। Which city is famous for its Karana Hills? ये, Karana ये, Hills?
ये वो विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स इसका कोई वो नहीं है, ये ननकाना साहब के पास कोई जगह है बताएं कहां है? सांगला या पता नहीं क्या उस जगह का नाम है, सांगला समथिंग, ये वो तो नहीं है? सांगला सही कह रहे हैं हाँ, दिस इज दिस सांगला ही है या या, लो 25 लाख गया, 25 लाख गया मेरा, मुझे आता था जवाब, मुझे जवाब आता था यार, जवाब आता था, इसलिए तो कह रहा था 25 लाख का, 25 लाख बहुत है, लालच नहीं करी, टेन इज इनफ। वैसे ये बच्चों ऐसे ने आज आपको क्या सिखाया कि लालच बुरी बला है, वेरी गुड। और आपने 10 लाख रुपए यहां से लेके जा रहे हैं, लेकिन आप घर बैठ के 50,000 रुपए जीतने वाले हैं। आप लोगों का सवाल ये है, विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क्स एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस? आप लोगों ने करना क्या है, छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैशटैग से अपना जवाब देना है, और याद रखिए हमारे सोशल मीडिया हुक्स और हमारे सोशल मीडिया हैशटैग्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आप इसका जवाब दे सकते हैं, वरना हम जवाब नहीं मानेंगे। अगले हफ्ते हम आपको विनर का नाम बताएंगे और बताएंगे कि कौन घर बैठे 50,000 रुपए जीता है। एहसन खान के लिए तालियां, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर बट साहब, और तमाम बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर शो के बच्चों के लिए इस तरह के जो उनका एक लेवल रेज करते हैं, उनको बहुत से बच्चे जो देख रहे होते हैं जो बहुत से स्कूल्स नहीं जा सकते वो भी इस प्रोग्राम से कुछ सीख रहे हैं, तो इस तरह के बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।